नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक नॉलेज 24 इनटू के द 10 मिनट शो में। दोस्तों देख लेते हैं आज के सेशन में क्या है। पहला है अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक की महानिरीक्षक सम्मेलन 2023 किस स्थान के अदरक को GI टैग प्रदान हुआ। पृथ्वी विज्ञान योजना क्या है। कन्नड़ सांस्कृतिक में लिखा कन्नब शिलालेख कहाँ मिले हैं। ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट कहाँ में स्थापित किए गए। PM विश्वकर्मा योजना क्या है। साथी से जुड़े प्रश्न और आज के समाचार न्यूज में और साथी खेल दुनिया के जगत से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इसका आंसर है जयपुर, राजस्थान। से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यह 5 जनवरी से 7 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित हुआ है। यह जयपुर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पर हुआ। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आदि वरिष्ठ अधिकारी ने इसमें भाग लिया। साथ ही सम्मेलन के दौरान साइबर अपराध, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार सहित पुलिस व्यवस्था के अनेक विषयों पर चर्चा की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य के आदि केकीर अदरक को GI टैग प्रदान हुआ। तो यह है अरुणाचल प्रदेश, ए आंसर। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग और उत्तरी सियांग जिले में पैदा की जाती है। आदि केकीर अदरक की एक प्रजाति है जो अपने स्वाद और आकार के लिए जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश के हस्तनिर्मित कालीन और वाचो लकड़ी के शिल्प की GI टैग भी प्रदान किया गया है। साथ ही जान लेते हैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी कई चीज़ों को GI टैग मिला है, तो वह कौन कौन सी है। पश्चिम बंगाल का है कोरियल रेशम साड़ी, गार्द साड़ी, तंगेल साड़ी, कालोनिया चावल और सुंदरवन शहर को प्रदान की गई है। साथ ही उड़ीसा का देख लेते हैं, खजूर गुड़, ढेकानाल का मगजी लड्डू, सिमलीपाल की काई चटनी, नयागढ़ का केंटी मुनी बैंगन, कपड़ा गंडा, डुमरिया कंद के हाथ से बने हुए शॉल, कोरापुट का काला जीरा, चावल और लौंजिया सॉरी के पटचित्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व विज्ञान योजना क्या है। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत कितनी राशि को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका आंसर है 4,797 करोड़ रुपए। इससे जुड़े संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यह मंजूरी 5 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी है। पृथ्वी विज्ञान योजना में वर्तमान में 5 स्कीमों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य भू प्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेत रिकॉर्ड करने के लिए वातावरण, समुद्र, भूमंडल, हिमंडल और पृथ्वी के ठोस हिस्से का अध्ययन करना है। योजना के द्वारा मौसम, समुद्र और जलवायु खतरों को समझने और अनुमान लगाने तथा जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट संबंधित प्रश्न देख लेते हैं शिलालेख से। किस राज्य में 10वीं सदी का कन्नड़ संस्कृति में लिखा कंदब शिलालेख मिला है। तो ये आंसर है गोवा, ए। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। शिलालेख के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। यह शिलालेख कंदब काल से संबंधित है जो दक्षिणी गोवा के कंडा में स्थित महादेव मंदिर में मिला। यह प्रोफेसर टी मुरुगेसी ने शिलालेख का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि यह अभिलेख कन्नड़ तथा नगरी अक्षरों में उत्कृत है। कंदब गोवा के कंदब कल्याणी के चालुक्य के अधीनस्थ थे।
पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यह योजना 15 अगस्त 2023 को की गई थी। योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को शुरू हुआ है। उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना है। पीएम विश्वकर्मा सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने का देश का पहला राज्य कौन सा बना? यह पंजाब है। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पंजाब नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्र की व्यापक मैपिंग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। पहला सड़क सुरक्षा पोर्टल फोर्ट्स परियोजना का हिस्सा है, जो पंजाब पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। मैपल्स ऐप का उपयोग करने वाले नागरिकों को अब पंजाबी में वॉइस अलर्ट मिलेगा, जो यात्री को आगे के ब्लैक स्पॉट के बारे में सचेत करेगा। नेक्स्ट हम समाचार न्यूज से देख लेते हैं। शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश के पीएम बनेंगी। भारत, चीन और रूस ने दी बधाई। शेख हसीना बांग्लादेश के जनक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। हसीना ने 1986 में पहला बार चुनाव जीता था। रविवार 7 जनवरी को हुए आम चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग ने संसद की 300 में से 204 सीटें जीत ली। इस बार 299 सीटों पर ही वोटिंग हुई थी। साथ ही आप देख रहे होंगे इमेज में, यह ढाका में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा जी हैं, जिन्होंने शेख हसीना जी को बधाई दिया है भारत की तरफ से। नेक्स्ट खेल जगत से देख लेते हैं। आगामी क्रिकेट मैच जिम्बाब्वे और श्रीलंका के मध्य में होगा। यह 14:30 बजे से शुरू है आज। नेक्स्ट है 8 तारीख को और बीते क्रिकेट मैच का जो परिणाम है 6 जनवरी 2024 का, यह रद्द हो गया था। मैच श्रीलंका और जिम्बाब्वे के मध्य में था। आई होप आपको यह 10 मिनट का शो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।